बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनर द्वारा लिखित और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैन का एक में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल नीविन पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फासिल फासी, ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मैन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथख्ठा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाता है कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मिले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चाकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वह अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु से छोड़ देती और कुपुन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी मां को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो किससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता लगता है है और और वह उसका अनुसरण करने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अंजू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग्स गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वह में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से वे पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार जय जय कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरत भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार निभाया पार्वती सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की अंजू की, की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आये दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय राघवन ने किरदार निभाए कुट्टन की मां के रूप में कल्पना ने किरदार निभाया नताशा के पिता फ्रांसिस के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार निभाया नताशा की मां के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की मां के रूप में रेखा ने किरदार निभाया सिजोए वर्गिस कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस नजर आए और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनस द्वारा लिखित और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सह निर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियो में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि है अनवर रसीद और सोफिया पोल अभिनेती फास, तलवार पार्वती थिरुवोथु और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथखटा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में सा... तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 हजार के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया कज्जू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गृह में शामिल हो जाते हैं कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लड़की लग, लग चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पात पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु से छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने शर्मद परिवार को त्याग दिया और इस और स्थाई तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी माँ को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो कि प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंश उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया और वह उसका अनुसरण करने लगता है और वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहर शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वे ओलंपिक में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जयकार जय जय कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फहद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरुव आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की अंजू की, की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुटन के पिता के रूप में विजय राघवन ने किरदारेवाया कुट्टन की माँ के, के, <स्था> के रूप में कल्पना ने किरदारे के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदान की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदान आया सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारिजोय वर्गीश कोच जक, जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस नजर आया और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फैद फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथख्ठा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया 2 है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया कज्जू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाता है कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से परवाहईद करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन फैशननेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू केदास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु से छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने समृद्ध परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थयात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी मां को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो किससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता लगता है है और और वह उसका अनुसरण करने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अंजू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहर शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वह में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जयकार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक्य में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण क्रिष्ट, पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फहद फासिल ने किरदार कि पार्वती आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजू की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मीनायान मिना, पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुटन के पिता के रूप में विजय राघवन ने किरदारेवाया कुट्टन की माँ के रूप में कल्पना ने नताशा के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने नताशा की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारीज वर्गीज कोच जक, जकारिया के रूप था। में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस नजर और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक दो की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल अभिनी निविन पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फैद फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मैनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथखटा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाते हैं कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से परवाहित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन फैशननेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश करने नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी मां को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो किससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता लगता है है और और वह उसका अनुसरण करने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नताशा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता-पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका विवाह की जीवन पटरी पर आ गया है कुटन की मां को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे 3 महीने के बाद वे ओलोफ में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरुव आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, अंजु की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुटन के पिता के रूप में विजय राघवन ने किरदार निभाया कुट्टन की माँ के, के, के रूप में कल्पना ने किरदार निभाया नताशा के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार निभाया नताशा की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारीजो वर्गीज कोच जक, जकारिया के रूप में नजर आए सारा के बहन रिया के रूप में सी थॉमस नजर आए और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक दो की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि है अनवर रसीद और सोफिया पोल नीविन पोली और नजरिया, नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल तलवार पार्वती थिरुवोथु और नित्या मैनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथखटा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया 2 है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुट्टन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाते हैं कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चाकना चूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पात पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था, था। दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह उसे छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद्ध परिवार को त्याग दिया और, इस, और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी माँ को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो कि प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया और वह उसका अनुसरण करने लगता है दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता-पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका विवाह एक जीवन पटरी पर आ गया है कुटन की मां को अपने पड़ोसी के साथ सहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे 3 महीने के बाद वे ओलोफी में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक्य में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फहद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरुव आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजु की अंजू की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय राघवन ने कुट्टन की माँ के रूप में कल्पना ने नताशा के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदान सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारीजो वर्गीज कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस नजर आया और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियो में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथख्ठा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम ले फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया कज्जू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाते हैं कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से परवाहित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद्र परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी मां को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जोकी से प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग्स गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नताशा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एम की दिशा में काम किया वह धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता-पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका विवाह एक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की मां को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे 3 महीने के बाद वे ओलोफी में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक्य में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण क्रिष्ट, पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फहद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरु वोथु आरजे सारा के रूप में एक पैर पैराप्लेजिक रेडियो रोकी की अंजू की, की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेस के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में परवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय राघवन ने किरदारेवाया कुट्टन की माँ के रूप में कल्पना ने किरदारे के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदान की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदान आया सारा की माँ की जकर के रूप में रेखा ने किरदारीजो वर्गीज कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस ने नजर आया और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथु और नित्या मैनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मैन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथखटा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में सा... तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया 2 है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथा का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया कज्जू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गृह में शामिल हो जाते हैं कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से परवाहित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश करने नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छुसे छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है कुट्टन को अपनी मां को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जोकी से प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंश उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता लगता है है और और वह उसका अनुसरण करने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अंजू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वह में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार जय जयकार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरुवोथ आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजु की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय राघवन ने कुट्टन की, की माँ के रूप में कल्पना ने नताशा के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने निभाया सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारीजो वर्गीश कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा के चचेरी बहन रिया के, सी -सी के रूप में सिसिरा थॉमस नजर आए और सेमी के रूप में साजिश याहिया

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनर्मित है फिल्म में नेवीन पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजिम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियो में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पदखा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 हजार के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुट्टन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाते हैं कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चाकना चूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पात पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था, था। दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु से छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने समृद्ध परिवार को त्याग दिया और इस और स्थाई तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी माँ को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो किससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंश उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता है और वह उसका अनुसरण करने लगता है और वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में हो और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता-पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका विवाह की जीवन पटरी पर आ गया है कुटन की मां को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे 3 महीने के बाद ओलोफी में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार जय जय कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फहद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरु वोथु आरजे सारा के रूप में एक पैर पैराप्लेजिक रेडियो रोकी की अंजू की, की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेस के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में परवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय राघवन ने गए, कुट्टन की माँ के, के, के रूप में कल्पना ने के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदान की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदान सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारीजो तो। वर्गीश कोच जका, जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस नजर आया और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनस द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैन का एक में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल नीविन पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मेनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथख्ठा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 हजार के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया 2 है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाते हैं कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से परवाहित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह उसे छोड़ देती और कुटुन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी मां को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जोकी से प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंस उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता-पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका विवाह जीवन पटरी पर आ गया है कुटन की मां को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे 3 महीने के बाद वे ओलोफी में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना कार कार एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण क्रिष्ट, पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरुवोथ आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजु की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय रागवन ने किरदार निभाए कुट्टन की मां के रूप में कल्पना ने किरदार निभाया नताशा के पिता फ्रांसिस के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार निभाया नताशा की मां के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की मां के रूप में रेखा ने किरदार निभाया सिजोए वर्गिस कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिसिरा थॉमस नजर आए और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनस द्वारा लिखित और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि है अनवर रसीद और सोफिया पोल पोली और नाजीम दुलकर सलमान फासिल फासी, तलवार पार्वती थिरुवोथु और नित्या मैनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मैन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथख्ठा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 हजार के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथानांग कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गृह में शामिल हो जाते हैं कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चाकना चूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पात पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश करने नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने शर्मद परिवार को त्याग दिया और इस और स्थाई तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है कुट्टन को अपनी माँ को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो कि प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंश उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका पसंद आने लगता और वह उसका अनुसरण करने लगता है और वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में हो अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग्स गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नताशा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एम की दिशा में काम किया वह धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वे में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जय जयकार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण क्रिश, पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार निभाया पार्वती सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजु की प्रेमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुटन के पिता के रूप में विजय राघवन ने किरदारेवाया कुट्टन की माँ के रूप में कल्पना ने नताशा के पिता के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार की माँ के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की माँ के रूप में रेखा ने किरदारीजो वर्गीश कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा के चचेरी बहन रिया के रूप में सिसरा थॉमस नजर आए और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित तो और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल नीविन पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाइजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथखटा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया 2 है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया काजू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी शिवदास उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाता है कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मिले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चाकना चूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वह अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह उसे छोड़ देती और कुटुन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने परिवार को त्याग दिया और और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजु एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो किससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता लगता है है और और वह उसका अनुसरण करने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अंजू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एम की दिशा में काम किया वह धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वे ओक्लावहोमा में, में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जयकार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक्य में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती थिरुवोथु आरजे सारा के रूप में एक पैर पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजू की परिमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेस के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आई दिव्या की मां शोभा के रूप में परवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय रागवन ने किरदार निभाए कुट्टन की मां के, के, के रूप में कल्पना ने किरदार निभाया नताशा के पिता फ्रांसिस के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार निभाया नताशा की मां के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की मां के रूप में रेखा ने किरदार निभाया सिजोए वर्गिस कोच जका, जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के, के रूप में सिसिरा सी थॉमस नजर आए और सेमी के रूप में साजिश याहिया स्टाम

लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनद द्वारा लिखित और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सह निर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियो में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि उत्पादित है अनवर रसीद और सोफिया पोल नीविन पोली और नजरिया नाजीम दुलकर सलमान फास, फासिल ईशा तलवार पार्वती थिरुवोथ और नित्या मेनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रवीण प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मेनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथख्ठा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया टू है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथाना का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्या प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता-पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया कज्जू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुटन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गिरोह में शामिल हो जाता है कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लग लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से परवाहईद करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पात पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश कर नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी-मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छु छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद परिवार को त्याग दिया और और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी माँ को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो किससे प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका रवैया पसंद आने लगता लगता है है और और वह उसका अनुसरण करने अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नताशा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एम की दिशा में काम किया वह धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता-पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका विवाह एक जीवन पटरी पर आ गया कुटन की मां को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे 3 महीने के बाद वे ओलोफ में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जयकार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में फैद फासिल ने किरदार कि निभाया पार्वती और आरजे सारा के रूप में एक पैर, पैराप्लेजिक रेडियो की, की अंजु की परिमिका के बाद उसकी पत्नी बनी मीनाक्षी एयर होस्टेज के रूप में ईसा तलवार नजर आई और मिसेल के रूप में पेरिस लक्ष्मी नजर आई दिव्या के पिता प्रकाश के रूप में मिना, मिनायान पिल्ला राजू नजर आए दिव्या की मां शोभा के रूप में प्रवीणा ने किरदार निभाया कुट्टन के पिता के रूप में विजय रागवन ने किरदार निभाया कुट्टन की मां के रूप में कल्पना ने किरदार निभाया नताशा के पिता स्पैनफिस के रूप में प्रताप पोथेन ने किरदार निभाया नताशा की मां के रूप में विनय प्रसाद ने किरदार निभाया सारा की मां के रूप में रेखा ने किरदार निभाया सिजोय वर्गीश कोच जकारिया के रूप में नजर आए सारा की चचेरी बहन रिया के रूप में सिफिरा थॉमस नजाई और सेमी के रूप में साजिश याहीस टम राइडर्स्य के भाई के रूप में नजर कृष्ण अभिनव राकेश के, के रूप में, में, कुट, में, में विरोधी टीम के सदस्य और अर्जुन के प्रतिद्वंदी नजर आए के पी अरविंद अरविंद के पी के रूप में नजर आए दास की दिव्यंत प्रेमिका नताशा फ्रांसिस के रूप में नित्या मैन के सिम्बा नाम की एक लेब्राडोर ने फिल्म की के पालतू जानवर की भूमिका निभाई थी बेंगलोर डेज मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ बेंगलोर डेज एक 2014 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अंजलि बैनस द्वारा लिखित और निर्देशित है और अनवर रसीद इंटरटेनमेंट और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तरह अनवर रसीद और सोफिया पोल द्वारा सहनिर्मित है फिल्म में नेवीन्स पोली और दुलकर सलमान फहद फासिल नजारिया नाजीम पार्वती थिरुवोथु ईसा तलवार और पेरिस लक्ष्मी जैसे कलाकारों की टोली शामिल है नित्या मैनन का एक कैमियोग में दिखाई देती है और कथानक केरल के तीन चचेरे भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है जो बेंगलोर चले जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते के बारे में मैनन की फिल्मों के चलन को उतरी रखते हैं यह फिल्म तीस मई दो को दो सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिससे यह पूरे देश में एक साथ मलयालम फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज बन गई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली फिल्म के निर्देशक अंजलि मैन और लेखक अंजलि है अनवर रसीद और सोफिया पोल नीविन पोली और सलमान फास, फासिल तलवार पार्वती थिरुवोथु और नित्या मैनन वर्णनकर्ता निविन पोली है छायांकन समीर ताहिर है संपादित है प्रभाकर और संगीत है गोपी सुंदर के उत्पादन कंपनी अनवर रसीद इंटरटेनमेंट वीकेंड ब्लॉकबास्टर वितरित किया गया अगस्त सिनेमा और ट्रा, ट्रा, ट्राइकलर इंटरटेनमेंट के मध्य से एंड ए रिलीज रिलीज की तारीख 30 मई 2014 को इसे भारत में रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश भारत और भाषा मलयालम थी फिल्म को तीन केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें से निविन पोली और नाजीरिया नजमी के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और अंजलि मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ पथखटा शामिल थी जबकि पार्वती थ्रुवोथू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अंजलि मैनन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को बाद में तमिल में बेंगलोर नाटकला और 2016 में के रूप में बनाया गया था फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका नाम यारिया 2 है और 2023 हजार तेईस में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म को न्यू न्यू जैन सिनेमा आंदोलन के दौरान बनी सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक माना जाता है कथा का कहानी तीन चचेरे भाई दिव्य प्रकाश उर्फ कुंजू कृष्ण पीपी उर्फ कुट्टन और अर्जुन उर्फ काजू आजू के इर्द गिर्द घूमती है जिनके बीच बचपन से ही गहरा रिश्ता था और आजू उनके माता पिता तलाकशुदा है एक बाइक मैकेनिक है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है कुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस, जिसका दिल और आत्मा अपने गांव में वापस आ गया कज्जू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और आई आईआईएम में एमबीए करने की इच्छा रखती है लेकिन अपने माता पिता से ज्योतिषी के सुझाव के कारण उसे काम में व्यस्त कॉरपोरेट कार्यकारी उर्फ दास से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपनी शादी के बाद दिव्या बेंगलोर चली गई और क्योंकि दसवीं दास भी वहीं बस गए कुट्टन अपनी नौकरी के लिए वही करता था जबकि अर्जु भी शहर में मैकेनिक के रूप में बाइक कर गृह में शामिल हो जाता है कुछ कुंजू भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है क्योंकि दास उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था उसकी एकमात्र सांत्वना वह समय है जो वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बिताने को मिलता है भोली कुट्टन जो पत्नी के लिए एक पारंपरिक विनम्र साड़ी पहनने लड़की चाहती है कि चाहती है को बेंगलुरु कोची फ्लाइट के एयर होस्टेज मीनाक्षी से प्यार हो जाता है जो वे डेट करते हैं और कुट्टन से प्रभावित करने के लिए एक आरक्षित और शर्मीले व्यक्ति के एक फैशन नेबल व्यक्ति से बदल जाता है लेकिन उसके सपने तब चाकना हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी उसके फ्लैट पर आता है और उसे पात पता चलता है कि वे केवल उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही थी वे अपने वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देता और कुंजू के दास का निजी जीवन निराशा से डूबता जा रहा है बस एक बहस के बाद एक दिन कुंजू ने अपने अपार्टमेंट में एक कमरे का निरीक्षण किया जिसमें दास कभी किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा एक अजीब लड़की की तस्वीरों छोटी मोटी चीजों और चीजों से भरा हुआ था, था। दास के दिल में जीवन में जगह न पाने के डर से वह छोड़ देती और कुट्टन के साथ दुखी होकर केरल अपने घर लौट आती और वही वे अपनी अभी भी निराश हो निराशा में फंसे हुए क्योंकि कुट्टन के पिता ने अपने सरमद्ध परिवार को त्याग दिया और, इस, और स्थायी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए अपनी सारी संपत्ति और उसके अधिकार कुट्टन के उसकी बहन को देने के लिए तैयार है और कुट्टन को अपनी माँ को समझाने के बाद बेंगलुरु लाना पड़ता है और अंजू एक बाइक रेसर था लेकिन एक गलत घटना के कारण उसे रेसिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा वह सारा नाम नाम की एक रेडियो जो कि प्यार में पड़ जाता है लेकिन जब वह अतंत उससे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह पैराप्लेजिक है जिस उसे उसका पसंद आने लगता और वह उसका अनुसरण करने लगता है और वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन अजू को दुख होता है कि उसे पता चलता है कि सारा को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति पर ऑस्ट्रेलिया जाना है इस बीच चौकी कुंजू के और दास तलाक लेने के बीच में और अज्जू को पता चलता है कि वह कुछ साल पहले दास एक पूर्व बाइक रेसर था वह तब शिव नाम के नाम से जाना जाता था और अपने बाइकिंग गिरोह का नेता था एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद शिव ने रेसिंग छोड़ दी और जिससे उनकी प्रेमिका नतासा फ्रांसिस की फ्रांसिस की मौत हो गई और यह जानने जानने पर कि वह क्या कुंजू से बेंगलोर लौटने का फैसला किया और अपने एमबी की दिशा में काम किया वे धीरे धीरे पश्चाताप करने वाले दस दास पर जीत हासिल करती है और उन्हें जल्द ही नताशा के माता पिता से उनकी मुलाकात करने की व्यवस्था करती है बैठक के बाद दास अपने अतीत को भूलने में सक्षम है और कुंजू ने उसे माफ कर दिया और उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ गया है। कुटन की माँ को अपने पड़ोसी के साथ शहरी भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है वे तीन महीने के बाद वे में ओकलाहोमा में अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती है और हवाई अड्डे में कुट्टन की उसकी माँ मीनाक्षी को देखते और कुट्टन की माँ वो अमेरिका की उड़ान की एयर होस्टेस होगी मीनाक्षी कुट्टन से के पास जाती और बताती है कि पुराने प्रेमी के साथ उसका रिश्ता स्थायी रूप से टूट गया है वह अपने उसके कॉल का इंतजार करेगी और उसे उसके कुछ ही सेकेंड बाद कुट्टन वहाँ जाता है और उससे बात करता है और उससे उससे छोड़ने के लिए कहता है अज्जू को उसी दिन दौड़ का मौका मिलता है और उस दिन सारा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना होता है कुंजु कुट्टन के दास द्वारा उसकी जैस कार कार करने और वह दौड़ जीत जाता है और दौड़ के बाद अज्जू को एहसास हुआ कि सारा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया वह उसे ऑस्ट्रेलिया न जाने के लिए कहता है और बेंगलुरु के अज्जू के साथ रहने के लिए सारा ने अपनी छात्रवृत्ति छोड़ दी अंत में कुट्टन ने बेंगलोर में अपने पड़ोसी मिशेल नामक एक विदेशी एक यूरोपीय भरतनाटक्य में नर्तक में शादी की और जिसने भारत की संस्कृति को अपनाया और फिल्म कुंजू दास अंजू और सारा उनके कमरे में घुसने और उन सभी द्वारा पर एक फोटो के पेज पर पे देखने के साथ समाप्त हो गई थी इसके बाद ढालना में देखा गया शिवदास की पत्नी दिव्या प्रकाश कुंजू के रूप में ना, नाजरिया नाजिम ने किरदार निभाया कृष्ण पीपी के रूप में निविल पोली ने किरदार निभाया अर्जुन के रूप में दुलकर सलमान ने किरदार निभाया और शिवदास के रूप में